हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन पार्टनर्स के लिए, लाइफ पार्टनर्स के लिए। या तो ऑलरेडी आप लाइफ पार्टनर हैं या प्लान कर रहे हैं किसी के साथ अपनी लाइफ को पार्ट करने के लिए। तो ऐसे में जो आपके पार्टनर हैं उनके एंड से सिचुएशन ऑन ऑफ है। कभी आप को लगता है कि आप दोनों एक साथ कैट ऑन करेंगे लाइफ में, और कभी कभी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं, कुछ डिफरेंसेस इस तरह के होते हैं कि आपको इनसिक्योरिटी भी लगती है। स्पेशली अगर ये सब आपके पार्टनर के एंड से होता है, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके पार्टनर ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ बताई हुई सिचुएशंस और रीजंस आपको लगता है कि आपके पार्टनर के एंड से हैं, तो फिर इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस आप देख सकते हैं। थिंक ऑफ ए पर्सन, उनके बारे में सोचें, आप उन्हें अपने माइंड में रखें। बॉटम ऑफ द डेक में कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। इट मीन्स नंबर 6 है। 6 नंबर पास्ट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के इम्प्रूवमेंट का नंबर होता है। तो आप और आपके पर्सन दोनों के बीच कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो है, बट आँखों पर फिलहाल पट्टी बंधी है। इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में कुछ इश्यूज़ अभी आपको फेस करने हैं। यहाँ पर एट प्रेजेंट सिचुएशन है द टेम्पल पाथ। इट मीन्स कनेक्शन जो है, आप स्पिरिचुअली अच्छा फील करते हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, अगर दोनों से कमिटमेंट एक दूसरे को मिल जाता है तो आप पीसफुल हो सकेंगे। बट यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ और डिसीट बता रहे हैं कि आपके कनेक्शन में कुछ ट्रिकी बिहेवियर किया जा रहा है, आपके पार्टनर के एंड से या आपके एंड से या किसी थर्ड पार्टी के एंड से भी हो सकता है। डिसीट भी यही बताना चाहता है। तो कुछ ट्रिकी बिहेवियर कुछ लोगों की वजह से भी हो सकता है, अदर पर्संस के इन्फ्लुएंस की वजह से। लाइफ लॉन्ग आपकी बात की जाए तो एप्रिसिएशन, आप दोनों का रिलेशन एप्रिशिएट किया जा सकेगा, अच्छा होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू सी सिचुएशंस, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में क्यों है। इससे हमें उनकी प्रेजेंट सिचुएशन, उनका रीसेंट पास्ट पता लगेगा और क्या ऑब्स्टेकल इस वक्त आपके पर्सन के साथ है वो जान सकेंगे। सो थोड़ा क्लैरिटी मिल सकेगी कि आपके पर्सन ये सब क्यों कर रहे हैं। एट प्रेजेंट तो आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं अपने सामने अदर ऑप्शंस को देखते हुए। आपके पर्सन जो उनके सामने अदर ऑप्शंस हैं उन्हें फिलहाल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये डार्कनेस में हैं और सामने जो इनके ऑप्शंस हैं कुछ इनके लिए पॉइजनियस हैं, कुछ मनीटरी बेनिफिट से जुड़ना चाहते हैं, कुछ इन्हें बैकबाइट कर रहे हैं, बट आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है ये सब। पिछले कुछ समय में 3 to 4 वीक्स या 5 वीक्स के विदिन आप लोगों में कुछ आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और इस वजह से आपके पर्सन लाइफ में फ़िलहाल आगे बढ़ रहे हैं, बट आगे बढ़ते वक्त हैप्पीनेस नहीं है, पूरा बर्डन लेकर के ही लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से फ़िलहाल वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके माइंड में हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, आप उनके माइंड में हैं,
और प्रे भी कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हों। और इस वक्त लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बर्डन उन पर आ चुका है। एट प्रेजेंट जो आपके पर्सन के लिए ऑब्स्टेकल है दैट इज़ फोर ऑफ सॉर्ड्स। कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या फिर ऐसा करने की वजह से ही बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में वो हैं। विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर अंदर आपके पर्सन को विजडम गेन होगी। मर्क्यूरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं द मैजिशियन। विजडम मिलेगी आपके पर्सन को, फिर आपके पर्सन अपने आप को रियलाइज करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद के अंदर झांक कर देखेंगे और उसके बाद जो आपसे हिसाब किताब है वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जैसा कि यहाँ पर कार्ड आया था कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बाद में ये आपके साथ में चीज़ों को बैलेंस करेंगे। ये उनका डीप फियर है आपके पर्सन का, डेविल। इट मींस भुला नहीं पाते हैं आपको, आपकी मेमोरीज बार बार उन्हें हॉन्ट करती हैं, आपसे खास अट्रैक्टेड फील करते हैं और इन्हीं सबको कंट्रोल करने के लिए थॉट्स को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जीज में रहते हैं। इट मींस वो खुद चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को कट ऑफ किया जाए। जो आपकी यादें आती हैं उन्हें, फिलहाल जो उनका माइंड है वो है काफ़ी ज़्यादा बर्डन में। सिक्स ऑफ कॉइन्स को देखते हुए ये भी लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी गलत किया है उसका भी इस पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। लेट्स ट्राई टू क्वालिफाई कि ये ऑब्स्टेकल फॉर ऑफ सॉर्ट्स क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स देखकर भी यही लगता है कि आपके पर्सन मटेरियलिस्टिकली सोच रहे हैं एट प्रेजेंट, इमोशनली नहीं सोच रहे हैं। यहाँ कहीं भी इमोशंस की एनर्जी नहीं है, मटेरियलिज्म की ही एनर्जीज हैं। नाइन ऑफ कप्स भी यही बता रहा है, इसमें ये पर्सन भी सिंगल हैं और ये यहाँ भी सिंगल हैं। तो ये अपने फाइनेंसेस पर अच्छा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और वर्ल्डली जो विशेज हैं इनकी उन्हें फुलफ़िल करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अभी परमानेंट कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। सेकंड थिंग, कॉम्पिटेबिलिटी भी हो सकती है आप दोनों के बीच, दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं पर्सनालिटी वाइज। बट जो भी है, ओवरऑल यू गाइज हैव कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ भी इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं एंड इसी वजह से फिलहाल इमोशंस को साइड रखकर सोच रहे हैं। एक क्वेश्चन करते हैं एंजल से, डू यू बोथ हैव फ्यूचर टुगेदर? क्या आप दोनों का फ्यूचर साथ है? एंजल्स बोल रहे हैं वेट करें थोड़ा, आप कम्युनिकेट क्लियरली और अपने पर्सन से क्लियर कम्युनिकेट करें, उसके बाद आपकी लाइफ में रोमांस है, देन यू हैव द फ्यूचर टुगेदर। यस का आंसर भी है, बिग हैप्पी चांसेस आपकी लाइफ में हैं। सो डील द थिंग्स स्मार्टली, चीज़ों को स्मार्टली डील करें, क्लियर कम्युनिकेट करें और फिलहाल अगर आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, मूव ऑन कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक बिहेवियर कर रहे हैं, तो लेट दिस पर्सन थिंक, उन्हें सोचने दें। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच।